टेंथ साइंस एनसीईआरटी में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जैसे लोहे की कील है और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम डुबोते हैं, तो ये जो आपका नीले रंग का ब्लू जो विलयन है कॉपर सल्फेट का, इसमें जब हम लोहे की कील को डुबोते हैं तो इस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, मतलब ये इस तरीके का रंग इसका हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हमें समझना है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यह कॉपर सल्फेट है और कहीं ना कहीं लोहे की कील डुबोने के बाद ये आयरन सल्फेट में बदल गया, तो इसका जो रंग है वो बदल गया है, मतलब ये जो नीला रंग था अब ये लाइट ग्रीन हो गया है, मतलब मलिन हो गया है इसका रंग। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसका रंग नीला है, वो आयरन सल्फेट के लाइट ग्रीन मतलब मलिन विलयन में बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल उसका कारण क्या है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उस समय आयरन सल्फेट बनता है ना, लोह सल्फेट जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका जली विलयन बनता है, तो ये उसका जली विलयन हो गया। और जो लोहे की कील है वो भूरे रंग में बदल जाती है, और यहाँ जो क्रिया हो रही है उसको हम समझ गए कि जो लोहा है वो क्या करता है, ये जो दूसरा तत्व है कॉपर, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, है ना? तो फिर ऐसे में क्या होता है कि फिर ये आपका ये इसकी जगह बैठ गया, देखिए आप, और ये वहाँ अलग हो गया। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर इससे